ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज हम बात करेंगे कि जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो भी सक्षम नहीं डाल सकते हैं क्या? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जी बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब केस के फैक्ट्स क्या हुए हैं मैं आपको सुना देता हूँ। एक जेंटलमैन है, उनका क्वेश्चन आया है कि भाई मेरे जो दादाजी हैं ना, वो मेरी दादी को मतलब उनकी दादी जी हैं, उनसे मतलब उनमें बनती नहीं है। तो जो दादी जी हैं ना वो कहीं चली गई हैं, यानी कि वृद्धाश्रम चली गई हैं, पता नहीं कहीं चली गई हैं। तो उनको पता भी है कहाँ गई है, ठीक है, यानी दादाजी को उनका एड्रेस पता है कि कहाँ गई है रूट के। तो क्या वो सेक्शन 9 डाल सकते हैं? तो हाँ देखो डाल सकते हैं, लेकिन ना बेहतर ये होगा यार, बड़े बूढ़े लोग हैं ना, क्यों उनको कोर्ट में ला रहे हो आप, ठीक है, क्यों उनको कोर्ट में जाना पड़ रहा है। वैसे तो आप डाल सकते हो, कोई एज लिमिट नहीं है कि भी सेक्शन 9 के ऊपर कोई लिमिट है कि भी इतने से, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। 80-80 साल के जो बड़े बूढ़े हैं वो भी डाल सकते हैं, पर ये बेचारे बड़े बूढ़े हैं उनको क्यों कोर्ट के दर्शन करवाओ, ठीक है, मतलब उनकी उम्र के लिए तो मतलब जो जज बैठा होगा उनसे मतलब तो बहुत एक्सपीरियंस है बड़े बूढ़ों को, तो क्या जज की मतलब अच्छा लगता ना। तो और फैमिली मैटर में तो यार तुम फैमिली मतलब सारे मिलके उनको समझाओ कि भी दादी जी आओ उसको मनाने मनाने जाओ, क्यों सेक्शन 9 के चक्कर में पड़ रहे हो। बड़ा बूढ़ा यार कुछ दिन रह गए हैं उसके, मतलब बड़े बूढ़े हैं कुछ दिन रह गए हैं, उनको खुशी हंसी से मतलब विदा कर दो, फिर वो ये ना बुढ़ापे में उनको केस कूस देखने पड़े, डेट वेट बड़ी बड़ी, छोड़ो चिल करो। वैसे आप डाल सकते हो अगर आपने बिल्कुल मन बना लिया कि भी हमारी दादी नहीं मान रही है, तो डाल सकते हो। ओके सहयोग, इट इज क्लियर, चिल बैंड।